तो भाई अगर तुम इस वीडियो पर आए हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आपके रील्स पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, और वो केवल आपकी गलती की वजह से नहीं आ रहे हैं। इस बात को मान लो, मैंने भी मानी थी। आप मेरी रील्स देख सकते हो, मैं तो डेली अपलोड भी नहीं करता हूं, मुश्किल से 4 या 5 रील्स अपलोड कर रखी है। जब भी मौका मिल जाता है, कोई भाई मूड बन जाता है, तब अपलोड कर देता हूं। मैं व्यूज के बारे में सोचता नहीं हूं, बट फिर भी मेरे 1000, 1500, 2500, 3000 ऐसे ऐसे व्यूज आ जाते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। कोई हर सारी रील्स मेरे के में ही है। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर तुम सोचोगे भाई तो एक यूट्यूबर है, लोग तेरी जाकर देखते हैं इसलिए व्यूज आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरी फोटोज पर भी तो ठीक ठाक लाइक आते, रील्स पर ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने 3 गलतियां पकड़ ली है कि जो मैं पहले करता था, मैंने उसको डिलीट कर दिया। जो मेरी पहले की रील्स थी ना, जिन पे भाई 300-400 व्यूज थे, मैंने उनको डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने उन पे गलतियां कर रखी थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप 3 गलती ऐसी मत करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप 3 गलती नहीं करोगे तो भाई आपके लाखों में व्यूज आ जाएंगे, बट अगर आपकी रील्स पर एक एक्चुअल यहां पर आपके व्यूज आने चाहिए थे ना, तो 3 गलती की वजह से जो नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम क्या पता वो आ जाए, ठीक है ना। तो 3 गलती मेरी ध्यान सुन लो, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा ये वीडियो, ठीक है ना, इसलिए लास्ट तक देख लेना वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहली गलती भाई, जो सबसे बड़ी गलती है ना, आप बाहर से रील्स अपलोड करते हो, यही सेम भाई बहुत से लोग टिकटॉक पर कर देते हैं। भाई इससे कुछ नहीं होने का, टिकटॉक ने तो भाई अकाउंट फ्रीज करने चालू कर दिए थे, और रील्स भी भाई क्या पता ये चीज कर दे। इसलिए बाहर से एडिटिंग करके रील्स अपलोड मत करो। अभी रील्स का जो ऑप्शन है वो एक नया ऑप्शन है, तो भाई अभी रील्स के मजे लो, डायरेक्ट रील्स को खोलो और वहीं से वीडियो बनाओ और वहीं से शूट करके डालो। सही बता रहा हूं, ये एक बेस्ट तरीका है, मैं ऐसे ही करता हूं। जब मैंने बाहर से रील्स अपलोड करके डाले थे ना भाई, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे थे, सच बता रहा हूं। रील्स समझ जाते हैं कि आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से इसको एडिटिंग करके डाला है, तो रील्स उसको प्रमोट क्यों करेगी? जाहिर सी बात है, रील्स अपनी ही तो प्रमोट करेगी ना। तो इसलिए भाई बाहर से रील्स अपलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी गलती कि जो हर कोई करता है, जाहिर सी बात है कि आपने अगर रील्स बनाई है तो आपको अच्छी लग रही है वो, उसके बाद आप 5-6 बार उसको चेक करते हो। जब आपने अपलोड कर दी ना, उसके बाद आप अपने रील्स को खोलते हो, उसके बाद देखते हो कि भाई कोई कमी तो नहीं छूट गई, भाई ये तो नहीं हो गया, हाँ यार रील्स अच्छी लग रही है। उसके बाद आपका यार दोस्त आता है, देख मैंने एक रील्स बनाई, देख ये, उससे क्या हो रहा है कि आप अपनी रील्स खुद देख रहे हो। सेम यही यूट्यूब पे है, अगर आप अपनी वीडियो खुद देख रहे हो ना, तो जिंदगी में आपकी वीडियो वो प्रमोट नहीं होने की है, वो प्लेटफॉर्म आपकी वीडियोस कभी प्रमोट करने का ही नहीं है। तो इसलिए भाई रील्स अपलोड करके भूल जाओ कि आपने कोई रील्स डाली थी। एक दो दिन बाद चेक कर सकते हो, सही बता रहा हूं, व्यूज में आपको फर्क दिखेगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, यार मैं तो रील्स अपलोड करके भूल जाता हूं, उसके बाद भाई चेक कर लेता हूं कभी कभार जब मौका मिल जाता है कि हाँ भाई क्या व्यूज चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे व्यूज से फिलहाल अभी लेना देना नहीं है, रील्स में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट नॉलेज है इसलिए मैं आपको बांट रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर आपको साफ साफ कह रहा हूं, अपनी रील्स खुद मत देखो। अगर आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस खुद देखी ना, तो भाई यूट्यूब आपका गूगल एडसेंस तक डिसेबल कर देगा। ये इतनी बड़ी गलती है कि आप अपनी वीडियोस खुद देखते हो, ठीक है। अपनी वीडियोस देखना खुद बंद कर दो, कमेंट भी बंद कर दो, और भाई यहां पर अगर आपके ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो उनका रिप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सही बता रहा हूं, रील्स मत देखा, ठीक है ना। तीसरी गलती जो कि मुझे सबसे बड़ी लगती है, कि आप जो रील्स अपलोड करते हो ना, उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन रहती है। अब आप बोलोगे भाई मेरा तो कैमरा ही ऐसा है, तो भाई उसमें रील्स के प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई यहां पर अगर मान लो किसी में टैलेंट है, उसकी वीडियो क्वालिटी नहीं है, तो उसकी रील्स प्रमोट नहीं होने की, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, आपकी रील्स जब वायरल होती है ना, वो दो चीजों पे होती है, एक तो आपका इंप्रेशन और एक आपका वॉच टाइम। सबसे मेन चीज आपका वॉच टाइम, और वॉच टाइम भी दो प्रकार के होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरे वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को लगेगा कि हाँ भाई बंदा मेरी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसलिए इसकी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसलिए मेरी वीडियो ऊपर तक पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे मेन होता है वॉच टाइम। वॉच टाइम पे मैंने आपको बहुत ज्यादा ध्यान पेल रखा है, ध्यान समझ लेना मेरी पहले की वीडियोस पर, ठीक है ना, जो मैंने बता रखा शायद व्यूज कैसे बढ़े, इसलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वॉच टाइम दो प्रकार के होता है, एक होता है गुड वॉच टाइम और एक होता है बैड वॉच टाइम। अगर आप मेरी याली वीडियो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप मेरी याली यूट्यूब की वीडियो 240 पिक्सल में देख रहे हो, तो मेरा बैड वॉच टाइम आएगा। अगर आप मेरी वीडियोस 1080 पिक्सल में देख रहे हो, तो गुड वॉच टाइम आएगा। तो यही ट्रिक होती है भाई हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, आप इस बात को समझो। जब आप वीडियो अपनी अपलोड करते हो ना, तो भाई आपकी वीडियो क्वालिटी इतनी डाउन रहती है, तो भाई आपको जो वॉच टाइम आ रहा है ना, वॉच टाइम आ रहा है, मैं मानता हूं अगर ज्यादा वॉच टाइम आ गया तब आपको आप रील्स आपका आपकी वीडियो प्रमोट कर देगा, बट अगर ठीक ठाक वॉच टाइम आ रहा है ना, जो कि प्रमोट होने वाली थी, बट आपको रुक जाएगी, पता है क्यों? क्योंकि आपका बैड वॉच टाइम होगा वो। इसलिए अपनी जो रील्स है ना, वो अच्छी क्वालिटी में अपलोड करने की कोशिश करो, सबसे मेन बात तो यही है। अगर भाई रील्स से फेमस होना है, तो कोई ढंग का फोन ले लो, सेकंड हैंड ले लो, कुछ भी ले लो, भाई क्वालिटी बहुत ज्यादा मेन है। आपने कभी देखा कि रील्स की एक कोई वीडियो है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, और वो वीडियो भाई पता नहीं कितनी व्यूज कमा रही है, देखा आपने? एक रेयर चांस में मान सकता हूं देखा होगा, अदरवाइज आपने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो कभी दिमाग लड़ा लिया करो कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, रीजन मैंने आपको बता दिया वॉच टाइम का। इसलिए
कोशिश करो अपनी रील्स अच्छे अच्छी क्वालिटी में अपलोड करो, उसके बाद अपनी रील्स देखो मत, और भाई जो मैंने आपको बाहर से अपलोड तो बिल्कुल ही मत करो, ठीक है ना, रील्स में अपलोड करो, अपनी वीडियो खुद मत देखो, अच्छी क्वालिटी में अपलोड करो भाई। ऐसे कम से कम भाई एक मिनट तक करोगे ना रील्स की, भाई आपके व्यूज यहां से वहां पहुंच जाएंगे। सही बता रहा हूं, आप भी एक इंसान हो, फैजू मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर जितने भी भाई अदनान पदनान जितने भी है ना भाई, ये भी एक इंसान नहीं है, इन्होंने भी भाई ये ट्रिक कर करके फेमस हुए हैं। हालांकि इनकी कोई वीडियो वायरल हो गई टिकटॉक पे, तो ये सीन था भाई एक वीडियो वायरल हुआ और बंदा उठ गया, ठीक है ना, बट अभी यहाँ पर ये सीन चल रहा है, जैसे आजकल वो चल रहा है रेडियो वाला वो जो उठ रहा है बंदा, ठीक है ना, तो आप भी ऐसे उठ सकते हो, रील्स मौका दे रही है, रील्स बंदों को उठा रही है, तो घेर लो भाई यही मौका है, ठीक है ना, मेरी बात मान लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई फोर्स वाली बात नहीं है, हाथ आपके, आपको जो करना मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ मैं प्यार के और फिर मिलेंगे चलते चलते।